कृपया हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे ना छूटे। पूरे देश में कल यानी 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। देश भर में जारी किसान आंदोलन के बीच कल पूरे देश में भारत बंद किया जाएगा। देश भर के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी 26 फरवरी को होने वाले भारत बंद में शामिल होंगे। देश के 8 करोड़ व्यापारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसी के साथ ट्रांसपोर्टरों के संगठन ने भी इसी दिन चक्का जाम का ऐलान किया है। इस दौरान देश भर में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चक्का जाम रहेगा। इससे लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। GST व्यवस्था को सरल बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों के शीर्ष संगठन द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। इसी के साथ सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट के समर्थन में इसी दिन चक्का जाम का ऐलान किया है। इसी वजह से 26 फरवरी को सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्टर संगठन भी इस दौरान हड़ताल में शामिल होंगे। सभी राज्य स्तरीय परिवहन संघों ने भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए ईवे बिल कानून के विरोध में कैट का समर्थन किया है। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने कार्यक्रम को इस दौरान पूरी तरह बंद रखने की घोषणा की है। किसी भी प्रकार की माल की बुकिंग, डिलीवरी, लदाई, उतराई बंद रहेगी। सभी परिवहन कंपनियों को विरोध के लिए सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे के बीच अपने वाहन पार्क करने के लिए कहा गया है। कल देश भर में 1500 जगहों पर व्यापारी संगठन का धरना होगा। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों और GST परिषद से माल एवं सेवा के कठोर प्रावधानों को समाप्त करने की मांग को लेकर 26 फरवरी को देश भर में 1500 स्थानों पर धरना भी दिया जाएगा। देश भर के सभी बाजार बंद रहेंगे और सभी राज्य के अलग अलग शहरों में विरोध स्वरूप धरना का आयोजन किया जाएगा। इस भारत बंद में देश भर के ट्रांसपोर्टर सेक्टर के अलावा बड़ी संख्या में कई राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है, जिसमें खास तौर पर ऑल इंडिया FMG डिस्ट्रीब्यूटर्स, फेडरेशन ऑफ एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, नॉर्थ इंडिया स्पाइसेस ट्रेडर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया वुमेन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, ऑल इंडिया कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन, ऑल इंडिया कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन आदि संगठन शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरिया टाइम।